हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का पोएम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस पोएम के पोएट हैं रॉबर्ट लुईस बैल्फर स्टीवेंशन। नो द पोएट रॉबर्ट लुईस बैल्फर स्टीवेंशन वाज अ स्कॉटिश नॉवलिस्ट, पोएट एंड ट्रैवल राइटर। हिज मोस्ट फेमस वर्क्स आर ट्रेजर आइलैंड, किडनैप्ड, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हायट, एंड चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस। रॉबर्ट लुईस बैल्फर स्टीवेंशन एक स्कॉटिश नॉवलिस्ट मीन्स स्कॉटलैंड के नॉवलिस्ट, पोएट और एक ट्रैवल राइटर थे। ट्रैवल राइटर का मतलब होता है कि यात्रा वृत्तांत लेखक। वे अपनी यात्रा के बारे में लिखते थे। उनकी फेमस रचनाएं हैं ट्रेजर आइलैंड, किडनैप्ड, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हायट और अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस। उन्हीं का एक और पोएम है द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। Before you read, imagine if you win a free ticket to travel to any part of the world, which places would you like to visit? How much time would you need? आप कल्पना कीजिए कि आपको एक फ्री टिकट मिलता है, कहीं से आप एक फ्री टिकट जीतते हैं जिससे कि आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में घूम सकते हैं, तो आप कौन कौन से प्लेसेस पे जाना पसंद करेंगे और क्यों, और आपको वहाँ पे कितना टाइम लगेगा? It would be an unending journey, just like an exciting journey into the land of storybooks, from forest to mountains, desert to sea. You may travel anywhere, anytime, at the cost of a book. ये एक कभी ना ख़त्म होने वाला यात्रा होगा और वह उतना ही exciting होगा जितना कि land of storybooks की journey, कहानियों की दुनिया की यात्रा, जंगलों से पहाड़ों तक, रेगिस्तान से समुद्र तक। और ये कभी भी कहीं भी हम जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। ऐसा ही कुछ इस पोएम में भी है, तो चलिए हम देखते हैं कि इस पोएम में आखिर है क्या। एट इवनिंग व्हेन द लैम्प इज लिट राउंड द फायर माय पेरेंट्स सिट, दे सिट एट होम एंड टॉक एंड सिंग एंड डू नॉट प्ले एट एनीथिंग। चलिए पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। लैम्प लाइट, चाहे वो दिया हो चाहे वो बल्ब हो, लिट जलना, पेरेंट्स माता पिता। तो द पोएट सेज दैट At the evening, his parents sit and talk, and but they do not do anything. इस जो कविता है यहाँ पे, इसमें पोएम में बच्चे जो हैं एक अपने शाम के एक्टिविटी के बारे में बता रहा है कि उसके पेरेंट्स शाम को मम्मी पापा जो हैं वो आग के बगल में बैठ जाते हैं, वे बातें करते हैं, गाना गाते हैं, लेकिन वे खेलते नहीं हैं। वे बच्चों के प्रति बहुत उदासीन है और वे अपने में ही बिजी है। नाउ विथ माई लिटिल गन आई क्राउल एंड इन द डार्क अलॉन्ग द वॉल एंड फॉलो राउंड द फॉरेस्ट ट्रैक अवे बिहाइंड द सोफा बैक। अगेन द वर्ड मीनिंग लिटिल, छोटा, क्रॉल रेंगना, ट्रैक मीन्स रास्ता। एट द टाइम द पोएट और द स्पीकर ही टेक्स हिज गन एंड क्रॉल्स अलॉन्ग द वॉल, हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द सोफा एंड देन ही गोज टू द फॉरेस्ट। वो बच्चा जो है अपनी फैमिली से एकदम अलग काम करता है। फैमिली बैठा हुआ है, बच्चा अपना बंदूक लेके रेंगते हुए पूरे घर में घूम रहा था। दीवार के किनारे किनारे रेंगते हुए वह एक सोफे के पीछे पहुंच जाता है और जहां पे वह अपना एक अलग ही वर्ल्ड बना के रखता है, और वो वर्ल्ड था उसका लैंड ऑफ इमेजिनेशन। देयर इन द नाइट वेयर नन कैन स्पाई, ऑल मिन इन माई हंटर्स कैंप आई लाई एंड प्ले एट बुक्स दैट आई हैव रेड टिल इट इज़ टाइम टू गो टू बेड। स्पाई मीन्स जासूसी करना, हंटर शिकारी। इन द थर्ड स्टांजा द रीडर डिस्कवर्स दैट द इमेजिनेशन ऑफ द चाइल्ड इज बींग स्टिमुलेटेड बाई बुक्स दैट ही हैज़ रेड। बिहाइंड द सोफा ही हैज़ मेड हिज ओन इमेजिनेटिव वर्ल्ड। अपने काल्पनिक दुनिया में उसने सोफे के पीछे एक बहुत ही सुंदर सा कैंप बना के रखा था जहाँ कोई उसकी जासूसी ना कर सके। ये दुनिया उसने अपने बुक्स के द्वारा बनाई है, मीन्स जो भी बुक्स वो पढ़ता है अपने आप को उसमें वो बहुत ज़्यादा ढाल लेता है, और वह उस वर्ल्ड में, उस दुनिया में तब तक रहता है जब तक कि वह सोने ना चला जाए। मतलब पूरा शाम वो अपने उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ही स्पेंड कर देता है। दीज आर द हिल्स, दीज आर द वुड्स, दीज आर माई स्टेरी सॉलिट्यूड्स and there the river by whose spring the roaring lion comes to drink. Again, hills, chota pahar, woods, chota jungle, starry, taro bhari, solitude,
अकेला, ब्रिंक किनारा, रोरिंग शेर की दहाड़। बिहाइंड द सोफा ही एक्सप्लोर्स हिल्स एंड वुड्स, ही कैन सी अ रिवर फ्रॉम विच लाइन कम्स टू ड्रिंक। उसने सोफे के पीछे, जो जो बच्चा है वो सोफे के पीछे अपने फैमिली से दूर पहाड़, जंगल आदि को इमेजिन करता है। तारों के बीच में वह अकेला है, लेकिन वह फिर भी खुश है। वह अपनी ही दुनिया में बिजी है। वह एक नदी भी देखता है जहाँ पे एक लायन पानी पीने आता है। यह वह जगह है जो कि वह कैंप से देखता है। आई सी द अदर्स फार अवे एज इफ इन फायर लिट कैंप दे ले, एंड आई लाइक टू एन इंडियन स्काउट राउंड देयर पार्टी प्रॉल्ड अबाउट। मीनिंग्स देखते हैं, यहाँ पे है कैंप, टेम्परेरी रहने के लिए जो जगह बनाते हैं वो कैंप कहलाता है। प्राउड, इधर उधर घूमना। द स्पीकर देन डिस्क्राइब्स अदर प्लेस दैट ही हैज़ विजिटेड। ही इज़ लाइक एन इंडियन स्काउट, अनसीन एंड अनहर्ड। स्पीकर अब दूसरी दुनिया में जाता है, वहाँ पे फायरलेस शिविर है और वह उसका निरीक्षण करता है। वह एक भारतीय स्काउट की तरह उन्हें देखता है। उसका इमेजिनेटिव पावर, उस बच्चे की जो इमेजिनेटिव पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वह हर कुछ इमेजिन कर सकता है जो कि वह नॉर्मली नहीं कर पाता, और ये पावर उसको कैसे आया, बुक्स के द्वारा। सो व्हेन माय मदर कम्स इन फॉर मी होम, आई रिटर्न अक्रॉस द सी एंड गो टू बेड विद बैकवर्ड लुक्स एट माय डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। इन द लास्ट स्टांजा, हिज मदर कम्स टू फेच हिम फ्रॉम हिज कैंप एंड इट इज़ अ साइन दैट ही हैज़ टू रिटर्न टू हिज ओन वर्ल्ड। इस लास्ट स्टांजा में शाम ख़त्म हो रही है और माँ उसे कैंप से वापस आने को कहती है। ये एक साइन है कि अब उसे अपने उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड से, काल्पनिक दुनिया से बाहर रियल वर्ल्ड में आना है। वह अपने बेड पे सोने तो चला जाता है, लेकिन वह लालसा भरी नज़रों से अपने बुक्स को देखता है। वह मानो यह कह रहा है कि मैं कल फिर आऊँगा। इस पोएम में स्पीकर एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड, कल्पना की दुनिया के बारे में बताते हैं जहाँ पोएट जाता है, और वह उस दुनिया में खुश है और वह हर वो चीज़ देखता है जो कि वो देखना चाहता है। आई होप आपको पोएम समझ में आया होगा। थैंक यू।